राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें से एक सीट है किंसर विधानसभा, नागौर जिले में पड़ती है। किंसर विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो है, उन सभी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सभी ने उम्मीदवार उतारने के बाद में यहाँ पर रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल भाजपा ने सबसे पहले सूची जारी करते हुए रेवत राम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा। इसके बाद में कांग्रेस ने सूची जारी करते हुए यहाँ पर रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। इसके बाद में अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार को घोषित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। नागौर जाट लैंड के रूप में जाना जाता है। किसा विधानसभा क्षेत्र में भी जाट बाहुल्य वोट बैंक है और तीनों ही जो प्रत्याशी है वे जाट समाज से आते हैं। ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहले भाजपा के उम्मीदवार की बात करें तो रेवत राम डांगा नाम दूसरी बार जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार पहले 2023 का विधानसभा चुनाव जरूर लड़ा था और दूसरी बार अब चुनावी मैदान में है, लेकिन चुनाव का लंबा अनुभव है। वे चुनाव राजनीति में तब से एक्टिव है जब हनुमान बेनीवाल चुनाव में राजनीति में एक्टिव हुए थे। छात्र संघ चुनाव हो, प्रधान के चुनाव हो या फिर विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो, हमेशा हनुमान बेनीवाल से कंधा मिलाते हुए उनके चुनाव प्रचार में रहे हैं। 2008 में जब भाजपा से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा तो रणनीति रेवत राम डांगा ने बनाई और 2018 तक जब उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा तब भी रणनीतिकार रेवत राम डांगा थे। लेकिन 2019 में जब बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव में माना जा रहा था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल रेवत राम डांगा को टिकट देंगे, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को टिकट दे दिया। वहां से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, अदावत शुरू हो गई। ऐसे में नाराजगी के चलते उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर दी। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में रेवत राम डांगा ने भाजपा से चुनाव लड़ा, हालांकि कुछ वोटों से ही हार मिली, लेकिन टक्कर अच्छी दी। अब वापस जब उपचुनाव हो रहे हैं और हनुमान बेनीवाल सांसद बन चुके हैं, वे खुद चुनावी मैदान में नहीं है, उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल चुनावी मैदान में है, तो रेवत राम डांगा भाजपा की ओर से उम्मीदवार है और ऐसा माना जा रहा है कि वे कड़ी मुकाबला दे सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें रतन चौधरी की, कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करते हुए रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव का कोई लंबा अनुभव नहीं है, सरकारी डॉक्टर रह चुकी है, सेवानिवृत्त हो चुकी है। इसके बाद में उनके पति जरूर राजनीति में एक्टिव रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले रतन चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव रहा, टिकट नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं मिला, तो आप कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस तवज्जो भी दिया और टिकट भी दे दिया। राजनीति में कुछ खासा अनुभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है, पति राजनेता रह चुके हैं, ऐसे में बल जरूर मिलेगा। और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और जो हरेंद्र चौधरी जैसे दिग्गज नेता भी उनका साथ में है, तो ऐसे में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कई जाट नेता है जो पॉपुलर है कांग्रेस में, उनकी भी मजबूती रतन चौधरी को मिल सकती है। और अच्छी शिक्षित एक उम्मीदवार है, डॉक्टर रह चुकी है, ऐसे में एक मजबूती से चुनावी मैदान में उतर सकती है और अच्छी टक्कर दे सकती है। हालांकि वे चुनावी मैदान में पहली बार है तो देखना होगा कि किस तरह की टक्कर वे देती है। इसके बाद में बात करें कनिका बेनीवाल की, हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, चुनावी में उन्होंने अपनी चुनावी मैदान में अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा है। हालांकि कनिका बेनीवाल जो है सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पर ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती, ज्यादातर मंच पर दिखाई नहीं देती, भाषण भी ज्यादा नहीं आए हैं, सिर्फ एक फोटो ही सामने आया है। ऐसे में देखना होगा कि कनिका बेनीवाल किस तरह से चुनाव लड़ेगी। हालांकि लोगों का कहना है कि कनिका बेनीवाल एक चेहरा है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़ेंगे, हनुमान बेनीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, वे ही प्रचार करेंगे। लोग यह सोच के मतदान नहीं डालेंगे कि कनिका बेनीवाल को मतदान किया जा रहा है, वे ये सोच के मतदान डालेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो है चुनावी मैदान में है और उन्हें वोट दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि कितना टक्कर जो है एक दूसरे को ये लोग देख पाते हैं और कितना रोचक ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। सुमित देवड़ा, TV9, नागौर।